भजन संहिता 51 क्वायर के साथ मिलकर उसे हम पढ़ेंगे और आप उसे रिपीट करेंगे। पूरा भजन संहिता 51 अपने हाथों को उठा लो। अपने मनों को तैयार करो आज, ताकि आपकी जिंदगियां सेम ना रहें। थैंक यू जीसस बोलकर, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। ऊंची आवाज से बोलो, दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे बली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे परमेश्वर, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहर बना को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। ऊंची आवाज से कहेंगे आमीन।